नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। जब किसी के दिल में अपने आराध्य के प्रति सच्चा प्रेम होता है तो मन में जिज्ञासा गहराने लगती है। ये जिज्ञासाएं तर्क और विचार विमर्श से नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास से समझी जा सकती हैं। इसी प्रेम और जिज्ञासा ने मुझे माँ काली के अनंत रहस्यों को जानने और उनके स्वरूप को समझने की प्रेरणा दी। आज के इस वीडियो में हम माँ काली के काले और विकराल स्वरूप के पीछे छिपे गहरे रहस्यों और प्रतीकों को जानने की कोशिश करेंगे। माँ काली का यह विकराल रूप पहली नजर में भयावह लग सकता है। बहुत से लोग इसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन सच यह है कि माँ का यह रूप केवल अज्ञानियों को भयभीत करता है। वास्तव में माँ काली का यह स्वरूप अज्ञानता को मिटाने और अपने भक्तों को भय से मुक्त करने का प्रतीक है। माँ के इस स्वरूप में गहरी ममता और करुणा छिपी है, जो हमारे भीतर के भ्रम और भय को समाप्त करने की शक्ति रखती है। दोस्तों, सत्य को देखने के लिए बाहरी आंखें नहीं बल्कि ज्ञान रूपी आंखों की जरूरत होती है। जैसे कि अंधेरे में खड़ा एक पेड़ हमें भूत प्रेत का आभास देता है, वैसे ही अज्ञानता की अवस्था में हम माँ काली के विकराल रूप से भयभीत हो सकते हैं। मगर जब हम उनके करीब आते हैं तो हमारी अज्ञानता का पर्दा हटता है और हमें माँ की आंखों में प्रेम और ममता का एहसास होता है। माँ काली का यह रूप हमें यह भी सिखाता है कि बाहरी आकर्षण और सौंदर्य माया के खेल हैं और यह सब क्षणिक हैं। माँ का काला रंग इस माया का प्रतीक है, जिसमें सारे भौतिक विकार और भ्रम घुल जाते हैं और जो उभरता है वह शाश्वत आत्मिक सौंदर्य है। जब हम माँ की भक्ति में लीन होते हैं तो यह मायावी संसार हमें भ्रमित नहीं कर पाता और हम वास्तविक सत्य को समझ पाते हैं। माँ काली का यह विकराल रूप नारी शक्ति का भी प्रतीक है। यह हमें बताता है कि नारी केवल सौंदर्य या सजावट का प्रतीक नहीं है, बल्कि उसमें अन्याय और दुष्ट शक्तियों का दमन करने की अपार क्षमता है। माँ हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देती हैं और यह संदेश देती हैं कि समय आने पर नारी भी रौद्र रूप धारण कर सकती है। माँ का काला स्वरूप अद्वैत का भी प्रतीक है, जहाँ भक्त और आराध्य के बीच का भेद मिट जाता है। जब भक्ति अपने चरम पर पहुंचती है तब माँ अपने भक्त को अपनी गोद में समा लेती हैं, जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने माँ का साक्षात्कार किया और उनके साथ एकाकार हो गए थे। माँ काली का यह रूप हमें बताता है कि सच्ची भक्ति में अंतः भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। शास्त्रों में माँ काली के इस विकराल रूप का विस्तृत वर्णन मिलता है। माँ का यह क्रोधी रूप दैत्यों और बुरी शक्तियों के लिए भयावह है, लेकिन उनके भक्तों के लिए यह अभय और सुरक्षा का प्रतीक है। माँ का यह रूप हमें हमारी आंतरिक शक्तियों का एहसास कराता है और बताता है कि इस संसार की माया से ऊपर उठकर आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। माँ काली प्रथम महाविद्या हैं और ज्ञान की देवी हैं। उनका काला रंग आत्मज्ञान की गहराई को दर्शाता है, जो बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आत्म साधना और तपस्या से प्राप्त होता है। यह वह ज्ञान है जो अज्ञानता को दूर कर आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुषों ने इस गहरे ज्ञान का अनुभव माँ काली के आशीर्वाद से किया था। माँ काली की साधना में एक महत्वपूर्ण मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से साधक माँ की ऊर्जा से जुड़ता है और अपने जीवन में साहस, शक्ति और शांति का अनुभव करता है। माँ के इस मंत्र का जाप जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलता है। तो दोस्तों, माँ के इस विकराल स्वरूप से डरने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे जो गहरे प्रतीक और प्रेम छिपा है उसे समझने की जरूरत है। माँ काली हमें हमारी आत्मिक शक्ति का एहसास कराती हैं और इस माया के संसार में मार्गदर्शन करती हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक जय माता दी, जय बजरंगबली।